बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती राजेश्वरी जी। मैं आज के अतिथि दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी माननीय सांसद महोदय और हमारे क्षेत्रीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद प्रमोद राजन जी और मंच पर उपस्थित श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक महोदय, संयोजक परम आदरणीय श्री देव जी, हमारे अध्यक्ष परमाधी श्री हरिचंद पंत जी और मंगल सिंह राव जी, मैं अपने सभी अतिथियों का, पदाधिकारियों का, भरत सिंह विश्व की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने समग्र दर्शकों का, अतिथियों का और कलाकारों का। और ये जिस प्रकार से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया कि इस उपकरण के बारे में, मुझे लगता है आज के टाइम पर जो समय आप कर गए, गोमती नदी का पूरा किनारा इस ओर से उस ओर तक पूरा सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, तो ये आपके इसी के प्रेरणा स्रोत है और आप ही के देन है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के लिए। और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड महापरिषद 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और पिछले साल हमने अपने जयंती मनाई और उस विगत वर्ष हमारा 75वां वर्ष खत्म हुआ है और हम 76वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। तो उत्तराखंड महापरिषद चाहे पूर्वांचल नगर में हो, अपने सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों का विधिवत संचालन कर रहा है। एक ओर मंदिर है धार्मिक, दूसरी ओर सामाजिक है, तीसरी ओर हमारा उत्तराखंड का भवन है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से उत्तराखंड महापरिषद विगत कई वर्षों से अपने संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास हेतु आगे कार्यरत है। मैं पुनः मुख्य अतिथि महोदय का और क्षेत्रीय पार्षद महोदय का, अपने पदाधिकारियों का, अपने कलाकारों का और प्रायोजकों का, सह प्रायोजकों का और अपने सहयोगियों का, जिन्होंने भी इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, सभी का तहे दिल से, हृदय से द्वितीय दिवस के अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष समारोह के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और खुद गोविंद राम माथुर अपनी लंबी और बड़ी उम्र पूरा करते हैं और आपका आशीष जिस तरह से पूरे समाज को मिला है वो आगे लगता रहेगा। और बड़ा सौभाग्य है कि व्यक्ति पूरा किया गया है माननीय सांसद महोदय ने। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से खटीमा के हमारे कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, माननीय सांसद महोदय, हमारे जो संगीत का पक्ष चाहते हैं, इतना सुंदर म्यूजिशियन जो संगीतकार हैं कि वो ऊपर शुभम कुमार जी और ढोलक और सतीश कुमार जी और तबले पर गौरव चंद्रा जी और ट्रम्पेट पर सुर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप कलाकारों को सुबह से लेकर के उनकी संगत करें, बहुत मुबारक है।